नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वीज से। जी हाँ साथियों, वीज से भाई आपको पता, हालांकि एक अभी ये मैटर थोड़ा कम हो जाएगा, गोल्ड से रिलेटेड हम बात करेंगे। हालांकि सरकार ने जो बजट है 2020-21 में, उसमें गोल्ड पे जो 12.5% के करीब टैक्स था उसको घटा के आधा कर दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से गोल्ड इंडिया में जो 51 के 50 के करीब भाव थे वो 47 के करीब आ रहे हैं। आपको सबको पता होगा 46.5-47 के करीब, यानी डिफरेंस ग्राम में कम हो गया। पहले जहां 6-7 हजार ग्राम में, 5 हजार ग्राम में फर्क आता था, 1 ग्राम जैसे इंडिया में 50 हजार का मिल रहा, तो वहां आपको आपको 42-43 हजार प्रति ग्राम मिल जाता था, ऐसे था सिस्टम, है ना। लेकिन अभी बता दूं, इसको डिफरेंस कम आ गया, इसलिए तस्करी को एक तरह से रोकने का यह प्रभावी कदम है। लेकिन फिर भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या है। लोगों का एक टारगेट होता है कि यहाँ अपने को जाना है, सिर्फ इसी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे एक माजरा निकल के आया है, मैं बता दूं, यूएई से एक बंदा लखनऊ एयरपोर्ट पे, जी हाँ साथियों, लखनऊ एयरपोर्ट पे 29 लाख रुपए के गोल्ड के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये सातीराना अंदाज पता नहीं कहाँ से सीख लेते हैं, इनको तो फिल्मों में स्टोरी लिखनी चाहिए कि इस तरह से भी स्टोरी ये लिख सकते हैं। यानी आप सोच नहीं सकते कि 29 लाख का गोल्ड कैसे ला सकते हैं, क्योंकि सोचने की बात है कि जो स्कैनर कैम वहां पे लगे होते हैं जिसके अंदर से आप गुजरते हैं, वो पेट में पड़ी हुई चीज को भी निकाल लेते हैं कि इसके पेट में कुछ है एक्स्ट्रा, तो उसकी जांच हो जाती है। लेकिन ये महारत ऐसे हासिल कर लेते हैं गोल्ड को लाने का तरीका कि आप सोच नहीं सकते। अधिकारियों को भी ये नए नए आइडिया उन आप जैसे लोगों से मिलते रहते हैं। जी हाँ, लखनऊ एयरपोर्ट पे एक बंदे को पकड़ा गया, उसपे शक हुआ ऐसे कि देखिए, सोने की तस्करी के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है वो खड़ा रहता है, वो उनके चेहरे पड़ता रहता है, जैसे आप सीढ़ियों से उतरते हो, वो मशीन से निकलते हो, ठीक है, तो वो चेहरे के हिसाब से कुछ न कुछ गलत होता है, तो बंदे का चेहरा कहीं ना कहीं चाहे वो 2% चाहे वो 5% चाहे कितना ही वो 30 मार्क का पता लगी जाता है। पासपोर्ट चेक करते हैं, बंदा कब गया था। सोचने की बात है कि जो बंदा विजिट में लोग जाते हैं, हालांकि 10 दिन 7 दिन 15 दिन वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी ड्यूटी होती है, तो बंदा देख रहा था। ये भाई जो लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरे थे वो 15 दिन पहले दुबई गया था, जो उसकी पासपोर्ट की हिस्ट्री चेक करी तो 15 दिन पहले गया, तो उनको ऐसा लगा होगा कि भाई 15 दिन बाद वापस आया है तो कुछ तो लेके आया होगा गोल्ड वगैरह, तो उसके सामान की चेक की गई। अब उसके पास एक जूस मिक्सर था, जूस मिक्सर आराम से समझ सकते हैं, जूस मिक्सर को चेक करोगे तो उसमें वो तो लोहे का बना होता है, स्कैनिंग में डालोगे तो भी वो उसका पता नहीं लगता है, आप समझ सकते हैं इस बात को। और उसने, मैं बता दूं, आप फोटो के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि एक बंदा जूसर जो मिक्सर होता है अंदर एक गोल जो राउंड में होता है उसका लोहे का बना हुआ, जिससे वो चलता है पूरा सिस्टम, जिसको चक्री बोल सकते हैं, उस चक्री के अंदर आप फोटो के माध्यम से देखिए कि उसी तरह का एक परत बना ली गोल्ड की। 29 लाख का गोल्ड तो खूब सारा होता है, उसकी मोटी सारी परत आराम से बन जाती है, लोहे की परत के चारों ओर गोल्ड को पिघलाकर उसके आराम से उसको आकार दे दिया गया, ऊपर उसको चिपका दिया, प्लास्टिक वगैरह सब आ जाती है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पता ही नहीं लगता कि इसमें गोल्ड है क्या। लेकिन भाई देखिए, जिनको ट्रेनिंग मिली होती है, लाखों की सैलरी लेते हैं, कस्टम विभाग एक इंटरनेशनल विभाग उनका काम होता है डिपार्टमेंट का, फिर वो अगर नहीं पहचानेंगे तो फिर कौन पहचानेगा। भाई का पता लगी जाना है, फिर उसका सामान चेक किया, जूसर मिक्सर को ओपन किया तो उसमें वो गोल्ड लगा हुआ आराम से मिल गया, उसकी जांच हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से, हालांकि बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस जांच में जुट चुकी है। जुटना क्या है भाई, अब उसका ये पता लगाना था कि भाई ये गोल्ड तू वहां से लेके आया तो इधर किसको देना है, ये तो नहीं घर पे रखेगा। 29 लाख का गोल्ड है तो लगभग उसका 40 लाख के करीब उसकी सेलिंग होगी इंडिया में, 10 लाख का मार्जिन होगा, तो पता सरकार वो मुकदमा होने के बाद, हालांकि 20 लाख से ऊपर गोल्ड होता है तो उसका मुकदमा बन जाता है, फिर वो पता लगाते हैं कि भाई ये यहाँ किस किस को सप्लाई देने वाला था, उसके ऊपर भी शिकंजा कसा जाता है। तो इस तरह से कुछ होता है, तो आप थोड़ा सा गौर करें, समझे कि भाई आप कितनी भी चालाकी कर ले, ठीक है, सिस्टम है, स्कैनिंग है, वहां के अधिकारी हैं, उनसे आप बच नहीं पाओगे, तो इनसे तो बढ़िया है कि आप इनसे इन धंधों को छोड़ दो तो अच्छा होगा आपके लिए। बाकी आप लोगों के साथ ये छोटी सी जानकारी शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।